बहुत दिन के बाद हुआ है। अब मीडिया चल रही है इसी भरोसे तो पानी है दूसरा आ गया। मई और जून की भीषण गर्मी में दिल्ली का गला सूख रहा है। गर्मी के चलते पानी की डिमांड पीक पर है, लेकिन सप्लाई आम दिनों से भी कम हो गई है। जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी से कम पानी सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली की बस्तियों में लोग टैंकर देखते ही टूट पड़ते हैं और जनता के हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार लाचार नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कभी हरियाणा तो कभी हिमाचल सरकार को कोस रहे हैं। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, तो पहले हिमाचल सरकार ने पानी की उपलब्धता से ही इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो मानवता के आधार पर अपर यमुना रिवर बोर्ड से अतिरिक्त पानी की डिमांड करे। आपको बता दें कि 1994 में दिल्ली के ओखला तक यमुना नदी के पानी के प्रबंधन और बंटवारे के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया था। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली बोर्ड के सदस्य हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से बोर्ड की बैठक बुलाने को भी कहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि वो यमुना का पानी देने को तैयार हैं। पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। समझौते के तहत यमुना वाटर का जो है सिलसिला, उस मामले में उन्होंने कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने और टैंकर माफिया पर कंट्रोल करने को भी कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चाहे तभी टैंकर माफिया पर लगाम लगेगी। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को जल संकट का जिम्मेदार बता रही है। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था, ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशनबाजी फिक्स है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लज्जता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है। टैंकर माफिया पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तू तू मैं सिर्फ जल संकट पर राजनीति का एक नमूना है। पानी के लिए दिल्ली यमुना और गंगा नदी पर निर्भर है और नदियों का पानी राजनीतिक झगड़े की जानी मानी वजह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली का जल संकट राजनीति की वजह से और गहरा रहा है? आखिर हर गर्मी में दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली की प्यास बुझाने का रास्ता क्या है? तो दिल्ली के इस जल संकट ने कई अहम और बड़े सवाल उठाए हैं जिस पर जवाब लेना जरूरी है, जिस पर चर्चा करना जरूरी है, तो आज कोशिश वही रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हर्ष खुराना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम भगत, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक, और आप सबसे बातचीत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। देश की राजधानी में जल का संकट हो ना तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि इससे धूमिल होती कि देश की राजधानी इतने बड़े जल संकट से गुजर रही है। वो टैंकर वाली तस्वीरें जब हम देखते हैं तो देखकर अच्छा नहीं लगता, जिस तरीके से वो टैंकर आता है, लोग उस पर झपटते हैं, एक एक बाल्टी पानी के लिए बड़ी जद्दोजहद होती है। पवन शर्मा साहब, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, पहला तो एक बहुत मौलिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस जल संकट की वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट रखी। देखिए, जब जब दिल्ली में संकट आता है उसके पीछे परिस्थिति हमको समझनी पड़ेगी। दिल्ली लैंडलॉक शहर है, दिल्ली के पास अपना कोई पानी नहीं है, हमको पड़ोसी राज्यों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि रॉ वाटर के लिए। अब 1994 में जो संधि हुई थी, 1994 में, उसी संधि के हिसाब से जो पानी मिलना चाहिए था
आबादी बढ़ी लेकिन वो पानी का आंकड़ा नहीं बढ़ा, लेकिन वो पानी भी दिल्ली को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं अपनी पूरी क्षमता पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब भी पानी का संकट गहराया है तब आपको किसी न किसी सोर्सेज से दिल्ली मिलने वाला वो कहीं ना कहीं रोका जरूर गया होगा। आप दिल्ली पानी मिलता है यमुना जी के थ्रू, यमुना जी के थ्रू जो पानी मिलने वाला है हरियाणा को जब मन करता है रोक देते हैं, तो परिस्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो जाती है, पानी का संकट गहरा जाता है। और अभी के आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली को मिलने वाला पानी हरियाणा ने रोका, उसका सारा असर दिल्ली के लोगों पर होता है, चाहे वो पानी से लाइन से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तमाम सारे सोर्सेज पे दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी जगह सारा काम किया। लेकिन समस्या तब आती है जब पानी हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी मिलता ही नहीं है। देखिए बड़ा आसान सा है, अगर दिल्ली सरकार के पास पानी उपलब्ध हो और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी नहीं हो तो दिल्ली सरकार गलतियां मान सकते हैं, लेकिन जब दिल्ली सरकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी है वो अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहे हैं, पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि यमुना से जो पानी हमारे WTP उठाते हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। यमुना जी के अंदर पानी की कमी होने से पूरे दिल्ली के अंदर असर पड़ता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है दिल्ली के लोगों से बदला लेती है तब इस तरह की छोटी राजनीति करती है। लेकिन हमारे समाज में हमने देखा है पानी पिलाने को पुण्य का काम मानते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी पानी पर राजनीति करती है। जब ये सारा मामला कोर्ट में गया क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आदेश था कि दिल्ली के किसी भी आदमी को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, दिल्ली सरकार कोर्ट गई। कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा स्टैंड जो था पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो दिल्ली को मिलने वाला शेयर था सारे आंकड़े कोर्ट के अंदर आ गए कि कोई भी आंकड़ा इन्होंने पूरा नहीं किया, दिल्ली को पानी पूरा दिया नहीं। तो इस सारी समस्या की जड़ भारतीय जनता पार्टी की छोटी राजनीति है, गंदी राजनीति है, लेकिन आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये वादा है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी भी से हमको जहां तक लड़ना पड़ेगा रोड से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम इनके सामने खड़े रहेंगे। किसी भी दिल्ली वासी को भारतीय जनता पार्टी के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी साजिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के साथ। ठीक है सर, अब पहले हम ठीक है गॉट योर पॉइंट, लेकिन पहले इस जड़ पे ही अंदर जाते हैं। खुराना साहब भी हैं हमारे साथ। खुराना साहब, आपके जो मित्र हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि ये आपकी वजह से हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वक्त दिल्ली में जो स्थिति है उसके पीछे आपके लिहाज से वजह क्या है? क्या ये हरियाणा से पानी ना मिलना है या फिर हिमाचल से पानी ना मिलना है या कोई और कारण है? इशू हरियाणा से पानी मिलने का है ही नहीं। ये तो हर बार की तरह जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती है आप दोषारोपण करती है, हमने पहले भी बहुत देखा। टोपी ट्रांसफर करने का खेल तो इनका पुराना है, चाहे वो कभी प्रदूषण के मामले को लेके हो, चाहे कोरोना के मामले हो, अनेक मामले ऐसे हैं जब जब गिरती है इनको पड़ोसी राज्य याद आते, खुद पे कोई गलती याद नहीं आती। अभी आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र कोई डाटा पेश कर रहे, कह रहे थे कि इंस्टॉलेशन जो है जो वाटर कैपेसिटी है वो काम नहीं कर पा रही इसलिए क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। मेरे सामने ये डाटा है, मैं आपके दर्शकों के सामने पेश करूँ कि आपके जो दर्शक होते हैं बहुत ही पढ़े लिखे दर्शक ज्यादा होते हैं और ज्यादा बहुत समझते हैं। ये डाटा जो है मेरा डाटा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ डाटा है और ये कहा है कि वाटर प्रोडक्शन ऑफ दिल्ली जल बोर्ड की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 956 MGD है। मैं नहीं कह रहा, फिर मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रहा। और पिछले जो रिकॉर्ड है फ्रॉम 12/5/2024 से लेके 8/6/2024 तक हर दो रोज की जो कैपेसिटी है वो मोर देन 1,002 MGD यूनिट चल रहा है, यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहा है। अगर पानी नहीं है तो ओवर अपने आप को प्रोडक्शन एक्स्ट्रा क्यों हो रही है, जरा ये अरविंद केजरीवाल जी के तमाम जो लोग हैं वो बता दें मेरे को। पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक सवाल और है, टैंकर के थ्रू अगर आपको तो पानी मिल रहा है लेकिन पाइप के थ्रू आपको पानी नहीं मिल पा रहा, उसका कारण आप समझिए, क्योंकि टैंकर माफिया का जो एक खेल पिछले 10 साल से चला हुआ आ रहा है ना, ये साल दर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। ये वही लोग थे जो कहते थे कि हम टैंकर को खत्म करने के लिए हम आए, हम लोग उठाएंगे, और याद करिए इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ भी था कि हम टैंकर माफिया को खत्म करेंगे। आज इन्हीं के टैंकर्स 956 टैंकर से जब ये लोग आए थे, इनकी जानकारी बता दूं कि शायद ये लिखे नहीं आए होंगे, 1368 तो जल बोर्ड के अपने टैंकर चल रहे हैं जी। क्या मतलब है? खुराना साहब, हम टैंकर वाली चीज पर भी आएंगे, पर पहले पहले जो आपने एक चीज उठाई तो मैं पवन साहब आपसे पूछना चाहूंगा। मैं भी ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप ही का हलफनामा है उसी से पढ़ रहा हूं।
उसमें कहा कि सोनिया विहार और भागीरथी बैराज ये जो दो आपके प्लांट्स हैं ये फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं और आपने अतिरिक्त पानी मांगा है। अभी खुराना साहब ने भी लगभग वही बात कही और आपने कहा कि आपको पानी कम मिल रहा है तो कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो रही है, पर दोनों में से सच बात कौन सी, क्योंकि ये आप ही का हलफनामा है कोर्ट में।